दोस्तों, तो मैं हूँ सुमन सिंह, आपकी दोस्त, और वेलकम करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपने विद सुमन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी टी शर्ट देख के आप ये समझ ही गए होंगे कि आज मेरा जो ब्लॉग है ये होने वाला है होली स्पेशल। तो ऐसा क्या है कि आज मैं क्या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो कुछ स्पेशल है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और दिखाते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। कम ऑन, तो अब हम पहुंच चुके हैं वहां जहां हमें आना था और जहां कुछ होने वाला है स्पेशल। तो बने रहिए, दिखाते हैं क्या क्या है स्पेशल। ये मेरी क्या है, जान नसीन, ठीक है। अभी तक ये रेडी नहीं हुई है, बताओ, टाइम खराब करी, टाइम वेस्ट करी, टाइम खोटी करी, पता नहीं मैं क्या क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या क्या ही बोलूं। और तुम बाद में तैयार होके आओ तो हम तो यही सोचते हैं कि तुम लेट से आओगी। पता है मैं इतनी बदनाम हो चुकी हूँ सबकी नजरों में, इनकी नजर में। 2 बजे तो 2 बजे आई है, 2 बजे बोली तो 4 बजे आई है, तो हमेशा इसमें भारतीय टाइम्स चलती है ये नहीं जैसा। हाँ तो सही बात है। तो यार एक बात बताओ, सेलिब्रिटी लोग क्या कर, इसलिए हम सोचे लेट से आएगी तो हम लेट से काम कर मतलब इनको लगता है कि मैं हर वक्त हर टाइम मैं लेट से आऊंगी। अब ये कोई बात है, मतलब एक बार चोर बदनाम होंगे तो हमेशा बदनाम ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए अब काम कीजिए। हैं मिस मधु, आप बता सकती हैं कि आज आप क्या करने वाली हैं? अरे कुछ भी तो धमाल ही करेंगे। धमाल करेंगे, कुछ पी तो नहीं रखे हैं, होली है, कुछ भी करेंगे तो धमाल ही होगा। मतलब होली के नाम में क्या कुछ भी करेंगे? हाँ, ये गलत बात है। कितना दूध है इसमें? 1 किलो। 1 किलो दूध, ओके। अरे क्या बोल रहे हो भाई, यहाँ चुगली करना है, मेरे सामने करो ना चुगली। ऐसा क्या चुगली करना है? तो फिर सामने चुगली करो, हिम्मत है तो। हाँ बस ठीक है, फालतू चुगली ना करो मेरी। हाँ जी, तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? मालपुआ। अच्छा, इसमें बहुत माल होता है। हाँ, माल तो होता है। अच्छा, तो कैसे कैसे बनाते हैं इसको? बस अभी मैदा पहले घोलेंगे दूध में। अच्छा, मैदा घोलेंगे दूध में, ये मैदे से बनता है? मैदे और थोड़ा सा सूजी। मैदा और सूजी को मिक्स करके हम मालपुआ बनाएंगे। सूजी इसलिए कि थोड़ा सा कुरकुरापन आने के लिए, सूजी इसलिए कि ताकि थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाए। ओके, वेरी गुड। कितना आपने कहा था, 100% मैदा में 25% सूजी डालना है? सूजी, हाँ। ओके, तो इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर दिए। ओके, दूध डालेंगे। ये है दूध और ये डाला दूध। ओके, दूध कितना डालेगा इसमें? दूध कितना डालेगा मैम? वही 100 ग्राम, मतलब इतना ताकि वो घुल जाए, है ना। दूध बॉईल करने की तो जरूरत नहीं, आपने ऐसे ही डाला है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं नहीं। ओके, धन्यवाद आपका बताने के लिए, बहुत मेहरबानी। आप नहीं बताते तो पता नहीं पड़ जाया था दुनिया में। हे भगवान, हे भगवान, कैसी कैसी बातें करते हैं, अच्छी बातें करा करो। तो दोस्तों, अब हमारी मैम जो है, खोया तो उन्होंने देखो घिस लिया है, जो घिसना पिटना था जो भी करना है कर लिया। अब ये बैटर को मिक्स करेंगे। ओके, अच्छा इसमें ही डालना है? मुझे लगा कि आप प्लेट में मुझे दे दे खाने के लिए। अच्छा डायरेक्ट? अच्छा, मतलब मुझे लगा क्या कि मतलब ये खोया खा के फिर बैटर को पंद बोलेंगे भैया कच्चा पी लो, चाहे पका देती हूँ पी लेना, फिर मिक्स हो जाएगा अंदर। बट ऐसा नहीं है, जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले के तहत साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों, ये हम आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, अगर आपको घोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है या नहीं घुल पाएगा तो ये देखो, इन्होंने लिया है जार और जार में डाल दिया सारा बैटर जो भी बनाना है हमें, और उसके बाद पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग होगी। इसको मिक्सी में उस चलाने से क्या हो गया? ये पूरा मिक्स हो गया अच्छे से। ओके गुड, अच्छा तरीका है। अरे इंडिया तभी तो चलता है जुगाड़ पे। हाँ, जुगाड़ करो। मैम अब बताएंगे आप, अब क्या करने वाले हैं आप? चाशनी बनाने थे। अच्छा, अब हमें चाशनी बनानी है। ओके,
जब तक ये हमने छोड़ दिया है। ओके अच्छा, चाशनी में पानी डालते हैं? हाँ। मुझे पता है, समझ में आई बात है। हाँ। इतना लायक नहीं हूँ मैं। हो, हो, हो। अब क्या डाल रहे हैं आप? चीनी डाल रहे हैं एक कप पानी में। अच्छा, इतना चीनी, मतलब इतना चाशनी कैसा बनना चाहिए इसका? वो तो पतली तो बात है ना, इतना होना चाहिए हल्का सा। अच्छा, कलर के लिए फ्लेवर, मतलब वो भी तो आता है, फ्लेवर भी और खुशबू भी, सब कुछ जो भी समझ लो, जो आपके दिमाग में आ जाए, जो समझना वो समझ लो। नहीं, समझना क्या होता ही है। अच्छा, होता ही है, समझना क्या है, ज्यादा दिमाग ना चलाए, समझे कुछ नहीं। वेलकम है आपका मधुस किचन में। मतलब की मतलब क्या होता है, दुनिया तो मतलब पे ही चलती है, मतलब कुछ नहीं है, ये मतलब होता है। अच्छा बेटा, जी बात सही है बेटा, तेल गर्म हो चुका है। ओके, पहला बिल्कुल आराम से थोड़ा सा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा जो मालपुआ है, ये चार इस बर्तन में ये चार आ चुका है। तो अगर आपके पास अगर बड़ा बर्तन हो तो वो, या तो छोटा हो तो, मतलब अकॉर्डिंग टू स्पेस आप इस पे वर्क कर सकते हैं। और ये कम आँच पे बनेगा ना, मतलब स्लो होना चाहिए, आँच स्लो होना चाहिए ताकि ये अच्छे से पके। तो ये हमारा बन चुका है, अब ये लाल हो ऐसा करना है उसको, मतलब है ना, पूरी तरीके से। ओके, ब्राउन मुंडे की तरह उसको ब्राउन कर देना है ना, उसके बाद अच्छा इसको ऐसे निकालना है, तेल निकल जाए पूरा। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये अब हम क्या करेंगे इसको? अब ये चाशनी में जाएगा। अच्छा, ये जो चाशनी बनी हुई है हमारी, उसमें डाल देंगे। ओके, थोड़े देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, ताकि रस पूरा अंदर इसमें चला जाए। तो दोस्तों, अभी हमारा जो है मालपुआ, ये हो चुका है रेडी, रेडी टू ईट। और ये सिम सिम की तरह गेट खुलते हुए, और ये वाव, ऐसा लग रहा है कि मैं एक पीस उठा के सीधा सीधा खा लूं। टैन टैन टैन। तो अभी फिलहाल हम क्लोज करते हैं, हम लालची ना बनते हुए थोड़ा सा इंतजार करते हैं मैम का। मैम शक्ल दिखाइए अपना। वाह, मतलब इतनी अच्छी कुक है कि क्या ही हम बताएं। वाह, बाकी तो हम क्या बनाने जा रहे हैं? कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं। ओके, तो क्या क्या कस्टर्ड में क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे बनाते हैं, हमें तो नहीं आता, जरा बताइए। एक लीटर दूध को बॉईल किए। अच्छा, एक लीटर दूध डाला है इसमें। अच्छा, बॉईल कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट क्या करें? कस्टर्ड पाउडर को। अच्छा, ये कस्टर्ड पाउडर है। फिर कई कंपनी में आता है, वनीला फ्लेवर है। वनीला फ्लेवर है। ओके, हाँ ये तो हर कंपनी में आती है ना। ये चम्मच से इसको हम क्या करेंगे? इसको मिक्स करेंगे। हाँ, इसको मिक्स करेंगे तक ये पूरा घुल ना जाए। अच्छा, तो दोस्तों ये हम जब तक, ये जो पाउडर है जो हमने दूध में डाला है, ये हम तब तक मिलाएंगे जब तक ये सही से घुल ना जाए। कलर तो बड़ा प्यारा लग रहा है, वनीला फ्लेवर है। तो दोस्तों ये देखो, दूध में उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब कस्टर्ड का जो, अच्छा ये जो घोल हमने बनाया है, ओके ये डालेंगे एक पतले धार में। अच्छा, इसको धीरे धीरे करके डालना है। ओके, और चलाते रहना लगातार, नहीं चलाएंगे तो जम जाएगा, इस जगह तो जम जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। ओके, बस 5 मिनट चलाना है। अच्छा, अभी ये कितना लिक्विड है, दिखा ना, चलो ना। अच्छा, ये इतना लिक्विड है, उसके बाद ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। ओके,
ठंडा होता तो और बिगाड़ा हो जाता। ठंडा होने पे और बिगाड़ा हो जाता है। अच्छा, तो ये बोल रही कि ठंडा होने पे और भी गाढ़ा हो जाता है, तो ये कैसे मतलब किस हिसाब से रखते हैं, ठंडा मतलब गाढ़ा या पतला, मतलब किस हिसाब से रखते हैं इसकी इसका? बस इतना होना चाहिए कि फ्रूट पड़ने पे आपस में वो मिल जाए, मिल जाए। ओके, कस्टर्ड में फ्रूट डालेंगे। अच्छा, कस्टर्ड में फ्रूट डालेंगे, क्या क्या है, क्या क्या डालेंगे इसमें? केला, अपना मनपसंद जो भी आपको पसंद है। कोई ऐसा फ्रूट जो जो नहीं डालते हैं इसमें? खट्टा, जैसे बहुत ज़्यादा खट्टा हो वो सब भी डालते हैं। संतरा भी डालते हैं लोग, लेकिन बीज निकाल कर। अच्छा, संतरा डालते हैं पर बीज निकाल के। अच्छा, ये क्या है, ये अनार है, ये भी हम इसमें डालेंगे? हाँ। ओके, और वो मुझे सेब दिख रहा है, अंगूर दिख रहा है, तो ये चारों काटेंगे अभी? हाँ। अच्छा, जब तक वो ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों ये देखो, ये कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ठंडा हो चुका है। तो ये देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, मैं ही छू सकती हूँ। तो ये देखो, अब सारे फ्रूट्स को इसमें डाल दिया गया है। अच्छा, फिर उसको डालना होता है ना? क्या लोग फ्रिज में डाल के डाल के फिर फ्रिज में रखना होता है ठंडा करने के लिए? अच्छा, बिल्कुल चिल्ड, उसको बिल्कुल चिल्ड खाया जाता है। ज़्यादा